राजकीय अमृतकर अस्पताल के विभिन्न समस्याओं तथा चिकित्सकों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर विगत लंबे समय से आंदोलन कर रहे जनसेवक महेंद्र मारोठिया की मांग पर राज्य सरकार की अनदेखी के चलते मंगलवार को मारोठिया अपने युवा साथियों के साथ जयपुर के लिए कूच कर गए। जयपुर पदयात्रा पर निकलने से पूर्व महेंद्र मारोठिया अपने साथियों अशोक साहू, हनी खारू, नेपाल सिंह रावल, चेतन चौहान, रोहित मारोठिया, दीपक घारू, योगेश शर्मा, श्रीराम तथा अरविंद शर्मा के साथ राजकीय अमृतकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए विगत दिनों से अमृतकर अस्पताल की 10 सूत्री मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन के बारे में बताते हुए कहा कि इस हेतु प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन देकर आगाह किया था कि ब्यावर के राजकीय अमृतकर चिकित्सालय की विभिन्न समस्याओं तथा चिकित्सकों के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति नहीं देने पर ब्यावर से जयपुर के लिए पदयात्रा की जाकर आंदोलन को तेज किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनकी चेतावनी को दरकिनार करते हुए आज दिन तक किसी भी मांग पर कोई सुनवाई नहीं की गई। राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी से खफा जनसेवक महेंद्र मारोठिया ने आंदोलन को तेज करते हुए मंगलवार से राज्य सरकार के खिलाफ पदयात्रा शुरू कर दी है। इस दौरान पैदल यात्रा पर जाने से पूर्व मारोठिया का शहर के जागरूक नागरिकों तथा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने मारोठिया के निर्णय का स्वागत करते हुए उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया। इस दौरान शहर के जागरूक नागरिकों ने भी अपने संबोधन में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश प्रकट किया, जिसके बाद महेंद्र मारोठिया अपने साथियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जयपुर के लिए कूच कर गए। इस दौरान महेंद्र मारोठिया का स्वागत करने वालों में बालूराम सेन, नरेंद्र जयसवानी, नरेंद्र चौहान, मनीष चौहान, सुरेश दग्धी, रंजीत साखला, प्रहलाद टा, कमलेश भाटी, देवीलाल गहलोत, दीपक दग्धी, अमृत सिंह, अजीत नरुका, करुणा गहलोत आदि मौजूद रहे। और अमृतकर में सभी युवा साथी एकत्रित हुए हैं। एकत्रित इसलिए हुए हैं कि विगत दिनों में हमने 10 सूत्री मांगे ब्यावर अम्बेडकर हॉस्पिटल को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन एसडीएम साहब द्वारा दिया गया, लेकिन हमने 7 दिवसीय का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद में भी 7 दिवसीय ऊपर हो गए, फिर भी हमारी कोई सुनवाई हमारी ब्यावर की जनता की नहीं हुई है। हमने आज गरीब दूर दराज से 4-3 जिले के लोग यहाँ 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में लोग आते हैं, से मगरे से आते हैं, ग्रामीण से आते हैं, शहरी से आते हैं। आज इस गरीब जनता के साथ क्या पीड़ा होती है वो आप भी जानते हैं। आज बिल्डिंग जर्जर हो रही है, आप देख सकते हैं स्टाफ की कमी है। आज उसके अलावा ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए हमारे यहाँ, उसके अलावा हमारे यहाँ गायनिक सेपरेट यूनिट होनी चाहिए और न्यूरोसर्जन की एक यूनिट हो। विभिन्न 10 सूत्री मांगों को लेकर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए आज मैं जयपुर कुछ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं पैदल कुछ करूँगा ब्यावर से जयपुर, राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा और मांग करूंगा कि मेरी 10 सूत्री मांगे पूरी की जाए, जिसे आम जनता को फायदा मिले, गरीब जनता को राहत मिले। जो जन समस्या अस्पताल की जो मांग रखी है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अस्पताल 1955 में बना है, ये अस्पताल 4 जिले के लोग यहाँ आते हैं, 4 जिले के लोग आते हैं, ये जरूर है। हम उस प्रशासन मीना के पास गए हैं, उसने कहा मैं ब्यावर जानता ही नहीं, हमारे लोग सिस्टम बन गए, उसको क्यों आप ब्यावर आइए, ब्यावर को देखिए। चिकित्सा मंत्री, मेरी मेरी बात छोड़ा है, मैं नारे के और काले काले के अध्यक्ष और बताऊं, मैं आपकी जन समस्या के लिए आधी रात को तैयार हूं, जनता के हित में। ये जिला श्रेणी का अस्पताल है, क्यों नहीं लिखता जिला श्रेणी का अस्पताल, क्यों नहीं लिखा जाता है, लिखना चाहिए। और हमने तो ये अस्पताल में झज्जर हो रहा है, हर जगह झज्जर हो रहा है, इसकी मान को मंत्री को क्यों नहीं हो, मुख्यमंत्री जी को उनको कहो कि हमने भी लिखा है, हमने भी गए मंत्री के पास, वो कि मैं तो ब्यावर जानता ही नहीं, कब आया ही नहीं। अरे आओ देखो सर, ये ब्यावर तुम मंत्री हो राजस्थान के, तो चिकित्सा मंत्री को जाना चाहिए, देखना चाहिए ब्यावर को कि क्या समस्या है। 4 जिलों को रहते हैं, भीलवाड़ा जिला, नागौर जिला, पाली जिला, ये इधर सभी लोग इधर आते हैं, जो टोंक जिले के भी इधर आते हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं।